दोस्तों इस वीडियो में बताई गई एक्सरसाइज को अगर आपने पूरे दिन में एक मिनट बस एक मिनट भी इस्तेमाल किया ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस नए साल में आप 95% लोगों से आगे निकल जाओगे। पता है कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों एक बारी अलबामा में रह रहे 33 साल के एंथनी ली अपने ब्रेन के पावर को बूस्ट करना चाहते थे, जिसके लिए एंथनी ने अपने ब्रेन को कई सारे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके 9 वोल्ट की बैटरी एंड रजिस्टर के साथ जोड़ दिया और स्विच को भाई ऑन कर दिया, जिसके बाद एंथनी के दिमाग में भयंकर दर्द शुरू हो गया। लेकिन फिर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि इस पेनफुल एक्सपेरिमेंट ने उसके दिमाग को कई तरीके से इम्प्रूव कर दिया था, क्योंकि अब एंथनी कई सारे कॉम्प्लेक्स टास्क को बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफी अच्छे से सॉल्व कर पा रहा था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसका असर बस कुछ ही समय के लिए रह रहा था और कुछ समय के बाद उसका ब्रेन फिर से नॉर्मल स्टेट पे आ जा रहा था और लॉन्ग टर्म में खुद को दर्द देने वाला ये तरीका किसी की जान भी ले सकता था। इसलिए साइंटिस्ट ने अपनी सालों के रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे तरीके ढूंढ के निकाले जो आपके ब्रेन को बिना तकलीफ पहुंचाए ब्रेन को परमानेंटली एक्सट्रीम लेवल पे बूस्ट करने में मदद करता है। पता है कैसे? चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये ब्रेन पावर को बूस्ट करना होता क्या है। तो ब्रेन बूस्टिंग या जिन्हें साइंटिस्ट कॉग्निटिव एनहांसमेंट भी कहते हैं, इसका आसान सा मतलब होता है कि अपने ब्रेन के दोनों हिस्सों की वर्किंग मैकेनिज्म को बेहतर बनाना, जिससे कि आपका ब्रेन मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर सके, जिसके बारे में नोबेल प्राइज विनर रॉजर स्पेरी ने 1981 में द राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन थ्योरी को पब्लिश किया था, जो ये साबित करती है कि हमारा राइट ब्रेन चेहरे को पहचानने में, इमोशन को एक्सप्रेस करने में, क्रिएटिव चीजें सोचने में और इमेजिन करने जैसी चीजों में एक्सपर्ट होता है। तो वहीं हमारा लेफ्ट ब्रेन क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिक्स, लैंग्वेज और रीजनिंग करने में माहिर होता है। इसलिए जब कोई इंसान किसी काम में अपने ब्रेन के इन दोनों हिस्सों को एक साथ इस्तेमाल करना सीख जाता है, तब वो एक्चुअली में जीनियस लेवल की एक्सेलेंसी को अचीव कर लेता है। और ये बात नोबेल प्राइज विनर रॉजर जी ने एक्चुअली में हमें प्रूव करके दिखाई है। यही वजह है कि इतने सालों से साइंटिस्ट ऐसी टेक्निक को खोजने पे रिसर्च कर रहे थे जिसके इस्तेमाल से वो मामूली से मामूली इंसान के ब्रेन के पावर को भी मैक्सिमम लेवल पे बूस्ट कर सके। और इसी रिसर्च में से हमारी पहली एक्सरसाइज है फिगर काउंटिंग। अब इस एक्सरसाइज में स्क्रीन पर आपके सामने एक पिक्चर आएगी और आपको उस पिक्चर में कितने ट्रायंगल बने हुए हैं उन्हें काउंट करना है और इसका जवाब मुझे अभी कमेंट करके बताना है, जिसके लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा। सो रेडी गाइस, 3, 2, 1 एंड गो। आप सही जवाब बताने से पहले क्या आपने ये नोटिस किया कि अभी आपके साथ क्या हुआ? तो रिसर्च ये कहती है कि जब हम ऐसे टास्क को परफॉर्म करते हैं तब हमारा राइट ब्रेन फिगर को पहचानने के लिए वर्क करता है, तो तभी हमारा लेफ्ट ब्रेन उसके अंदर छुपे नंबर को काउंट करता है। इसलिए दिन भर में जितनी बार हम ऐसी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं उतना ही हमारे ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में कोलैबोरेट करके नए और पावरफुल न्यूरॉन्स बनाने लगते हैं, जिससे कि आप एक्चुअली में अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज होता हुआ महसूस कर पाते हो। बाकी जिन लोगों ने अपने आंसर कमेंट कर दिए हैं उन्हें मैं बता दूं, असल में इस फिगर के अंदर टोटल 16 ट्रायंगल मौजूद है। अब जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उन्हें कांग्रेचुलेशन, और जिन लोगों के जवाब गलत है उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें आगे और भी मौके मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी दूसरी पावरफुल एक्सरसाइज है जिग्सॉ ब्रेन ब्रेक। अब इस एक्सरसाइज में आपके सामने कुछ पजल रखे जाएंगे, जहाँ आपके ब्रेन के सामने ये चैलेंज होता है कि वो इस पजल को अच्छे से ऑब्जर्व करके जल्द से जल्द सही जवाब देने की कोशिश करे। जैसे कि अब मैं आपको स्क्रीन पर एक जिग्सॉ पजल दिखा रहा हूँ। अब यहाँ आपके पास बताने के लिए 10 सेकंड होंगे कि आखिर ये मिसिंग वाले पार्ट में पजल का कौन सा हिस्सा फिट होगा, और आपको इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताना होगा। सो 3, 2, 1 एंड गो। अब इस पजल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब जिन जिन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है उनके बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो लोग एक अलग ही लेवल की ब्रेन पावर को अपने अंदर महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि भाई रिसर्च ये खुद बताती है कि पजल इज अ मेंटल वर्कआउट दैट स्टिमुलेट्स बोथ द साइड ऑफ द ब्रेन, द लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल साइड एंड द राइट ब्रेन फॉर मोर क्रिएटिव साइड। और जिन जिन लोगों के जवाब गलत है भाई उन्हें भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे और भी मौके आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अगली पावरफुल ब्रेन एक्सरसाइज है
मिरर इमेज। अब इस एक्सरसाइज में आपके सामने अल्फाबेट और नंबर की एक छोटी सी सीरीज आएगी, जहां आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द हमें कमेंट करके ये बताना होगा कि अगर हम इस सीरीज को एक मिरर के सामने रख दे तो इसका रिफ्लेक्शन या यूं कहे कि इसका मिरर इमेज कैसा दिखेगा, जहां आपके पास ये बताने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा कि आखिर इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस सीधी इमेज का मिरर इमेज है। आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो 3, 2, 1 एंड गो। तो दोस्तों, अगर आपने इस एक्सरसाइज का सही आंसर ऑप्शन ए पता लगा लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, क्योंकि यह सही जवाब ये दर्शाता है कि सही मायने में आपकी ब्रेन पावर काफी जबरदस्त है। बाकी जो लोग सही जवाब पता नहीं लगा पाए हैं उन्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि आप भी हर दिन सिर्फ एक मिनट प्रैक्टिस करके अपने ब्रेन पावर को आज से ही इंक्रीज करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपके ब्रेन के दोनों साइड को एक साथ कोलैबोरेट करके काम करना ही पड़ता है, जिससे कि अगर आप एक लंबे समय तक हर दिन सिर्फ एक मिनट तक प्रैक्टिस करते रहोगे तब आप अपने ब्रेन को इतना शार्प एंड फोकस कर लोगे कि जिसके बाद जीनियस लेवल के काम करना भी आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और यही कारण है कि दुनिया भर के इंस्टीट्यूशन, यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि वो ये देख पाए कि क्या आप एग्जाम के प्रेशर में भी अपने ब्रेन के दोनों हिस्सों को प्रॉपरली फोकस कर पाते हो या नहीं, वो इस चीज से चालाकी से पता लगा लेते हैं। लेकिन अब दोस्तों, डॉक्टर एंड्रू विल, जो कि हार्वर्ड ग्रेजुएट होने के साथ साथ इंटीग्रेटिव मेडिकल फील्ड में फिजिशियन एंड रिसर्चर्स भी है, उन्होंने एंशियंट योगा टेक्निक प्राणायाम को अपना आधार बनाकर ब्रेन पावर को बूस्ट करने के लिए एक मेथड क्रिएट किया, जिसका नाम उन्होंने 478 ब्रीडिंग मेथड रखा। अब डॉक्टर एंड्रू के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज आपके ब्रेन एंड बॉडी को डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन तक लेकर जाता है, जिसे न सिर्फ आप अपने ब्रेन को बेटर वे में कंट्रोल कर पाते हो, साथ ही इस एक्सरसाइज की मदद से आप अपने ब्रेन पावर को एक्सपोनेंशियल लेवल पे बढ़ा भी पाते हो, जिसे साबित करने के लिए रिसर्चर्स ने कुछ लोगों को दो ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, जिसके बाद रिसर्चर्स ने ग्रुप ए के लोगों को 30 मिनट तक 478 ब्रीडिंग एक्सरसाइज करवाई, जबकि वहीं ग्रुप बी के लोगों को 30 मिनट तक बस यूं ही आराम करने को कहा। जिसके बाद जब दोनों ग्रुप के लोगों को अलग अलग कॉम्प्लेक्स पजल को सॉल्व करने को कहा गया, तब ग्रुप ए के लोगों ने ग्रुप बी के लोगों के कंपैरिजन में काफी बेहतर रिजल्ट हासिल किए। और इससे भी शॉकिंग बात तो ये थी दोस्तों कि जब रिसर्चर्स ने एक्सरसाइज के 24 घंटे बाद वापस से दोनों ग्रुप के ब्रेन को चेक किया, तब भी ग्रुप ए के लोगों की ब्रेन पावर ग्रुप बी के लोगों से काफी ज्यादा बेहतर थी। यानी कि ग्रुप ए के लोग 24 घंटे के बाद भी ग्रुप बी के लोगों को हर तरह की ब्रेन एक्टिविटी में बड़ी ही आसानी से हरा पा रहे थे, जो कि एक्चुअली में 478 ब्रीडिंग एक्सरसाइज के थ्रू पावर को दिखा रहा था। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले एक शांत और कंफर्टेबल जगह पर बैठकर अपने टंग को कुछ इस तरह से रखना है, जिससे कि आपकी जीभ आपके दांतों के ऊपर पिछले वाले हिस्से को हल्का सा दबा सके। फिर इसी पोजीशन में रहते हुए आपको अपने मुंह के अंदर मौजूद हवा को बाहर छोड़ना है, और फिर अपने मुंह को बंद करना है और मन में ही 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे काउंट करना है, जिसके बाद एक लंबी सी सांस लेकर हवा को अपनी नाक की मदद से इनहेल करना है, जिसके बाद आपको अपनी सांस को रोकते हुए 1 से लेकर 7 तक काउंट करना है, और फिर फाइनली आपको अपने मन में ही 1 से लेकर 8 तक काउंट करते हुए हवा को अपने मुंह से छोड़ देना है, जिसे आपको हर दिन कम से कम 4 बारी तो पक्का करना चाहिए, जिसे करने में आपको सिर्फ 1 मिनट का ही समय लगेगा, जिसके बाद आप खुद ये फील कर पाओगे कि आपका ब्रेन पहले से काफी ज्यादा हल्का और मजबूत महसूस कर रहा है। और अगर आप कोई भी पढ़ाई या कॉम्प्लेक्स टास्क करने से पहले ये एक्सरसाइज करते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे आप काफी एक्सलेंट लेवल के रिजल्ट को अचीव कर लोगे। वहीं दोस्तों, डॉक्टर एलन मेडल डीसी, जो अपने कई सारे बॉडी एंड माइंड की पावरफुल एक्सरसाइज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हमारे ब्रेन को रिबूट करने की ऐसी टेक्निक इजाद की है जिसमें आप अपने सिर्फ अंगूठे का इस्तेमाल करके अपने ब्रेन के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने लेफ्ट हैंड के 2 फिंगर का इस्तेमाल करते हुए राइट हैंड के अंगूठे को अराउंड 20 सेकंड तक दबाए रखना है और गहरी सांस लेनी है कुछ इस तरह से। अब ये करते ही आप खुद ये महसूस करोगे कि पहले के मुकाबले में अब की बारी आप गहरी और साफ सांसें आपके अंदर जा रही है, जो एक्चुअली में आपके डीप फोकस को इम्प्रूव करते हुए बॉडी में नई ऊर्जा का संचार करती है। क्योंकि अगर हम इस पार्ट को ध्यान से देखें तो असल में हमारे बॉडी में अलग अलग साइनसिस होते हैं, जैसे कि फ्रंटल साइनसिस, एटमोडियल साइनसिस, मैक्सिलरी साइनसिस, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिससे होता यह है कि जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो तब इससे निकलने वाला हार्मोन आपके बॉडी को सफिशियंट एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपके ब्रेन को रिबूट करके उसकी एनर्जी को एक्चुअली में इंक्रीज करता है। बाकी आप इसे अभी ट्राई करके इसकी एनर्जी को खुद महसूस कर सकते
सकते हो। आप दोस्तों मुझे ये अच्छे से याद है कि जब मैं छोटा था तो मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेला करता था जहां हम सब दोस्त एक दूसरे की आंखों में एक टक लगाकर देखा करते थे और जो भी अपनी पल के पहले झपकाता था वो हार जाता था। अब उस समय तो मुझे इस एंशियंट एक्सरसाइज की नॉलेज नहीं थी इसलिए मैं बस इसे गेम की तरह ही खेलता रहता था। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि इसे असल में त्राटक कहते हैं जिसे एंशियंट टाइम में लोग अपने ब्रेन के स्ट्रेस एंग्जाइटी को कम करने के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन फोकस एंड मेंटल क्लैरिटी जैसी चीजों को इंक्रीज करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अब यूं तो त्राटक 7 अलग अलग टाइप के होते हैं दीपक त्राटक बिंदु त्राटक मूर्ति त्राटक चित्रा त्राटक सूर्य त्राटक चंद्रमा त्राटक और तारा त्राटक जहां आप किसी को भी अपने अनुसार फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको किसी शांत जगह पे बैठकर दीपक या मोमबत्ती की लौ बिंदु मूर्ति या चित्र को अपने सामने लगा करके अपनी पलके झपकाए बिना बस एक ही जगह पे फोकस करना रहता है। अब शुरुआत में तो कुछ लोग सिर्फ एक मिनट में ही अपने पलके झपका लेते हैं लेकिन अगर आप जैसे जैसे समय बढ़ाते जाते हो वैसे आप खुद ये फील कर पाओगे कि आपके ब्रेन की पावर भी अब ऑटोमेटिकली ही इम्प्रूव होने लगी है। और भाई साइंस ने तो इसे प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए 29 लोगों के ऊपर एक रिसर्च भी कंडक्ट की जहां ऐसे लोगों को लाया गया जो लो ब्रेन पावर डिप्रेशन स्ट्रेस एंड एंजाइटी जैसे चीजें फेस कर रहे थे। साथ ही इनका ब्रेन किसी भी चीज को सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहा था जिस कारण वो किसी भी छोटी से छोटी बात पर भी गुस्सा हो जाते थे और इसी चक्कर में उन्हें नींद ना आने की बीमारी भी हो चुकी थी। अब शुरुआत में इन लोगों को कई सारी मेडिसिन दी गई लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन जब इन सारे लोगों से हर रोज सिर्फ एक मिनट के लिए ही त्राटक करवाया गया तो मात्र 10 दिनों में ही इनकी ब्रेन कंडीशन नॉर्मल हो गई। साथ ही इस 10 दिनों में ही वो ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करने में महारत हासिल कर चुके थे जिसे करने में एक्चुअली में बाकी लोगों को सालों लग जाते हैं जिसे आप भी आज और अभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। बाकी इस वीडियो की 7th एक्सरसाइज का हमने एक प्रैक्टिकल वर्जन भी तैयार किया है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से चेक कर सकते हो जिसे पूरी तरीके से सॉल्व करने पर आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा साथ ही साथ स्कोर के साथ आपको एक रिजल्ट भी मिलेगा जिससे आप खुद ये पता लगा सकते हो कि आपके ब्रेन की पावर अब कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि ब्रह्मचर्य की मदद से कैसे हम अपने ब्रेन पावर को नेक्स्ट लेवल पे एनहांस कर सकते हैं तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पे अभी क्लिक करें। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।